हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDL 137 के चैप्टर नंबर 12 के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो हमारा चैप्टर नंबर 12, या आप इसे यूनिट नंबर 12 कह सकते हैं, इसमें जो हमारा आपका चैप्टर है वो क्या है, भाषण के लिए लेखन क्या रहेगा। BHDL 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल का चैप्टर नंबर 12 रहेगा, भाषण के लिए लेखन आपका रहेगा। तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे इसमें भाषण भाषण की भाषा और उसका लेखन क्या है, 12.4 रहेगा आपके लिए। मैं बोलूंगा 12.4 रहेगा, भाषण की भाषा और उसका लेखन कैसे होता है, समाचार की भाषा और उसका लेखन कैसे किया जाता है, वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा कैसे होती, ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। भाषा का प्रकार और उसका भेद बताइए, ये भाषा का प्रकार और उसका भेद है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गए। और इन सभी को आपको एग्जाम में करके जरूर जाना है। अगर आप इन सभी को करके जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स या आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। और एक बात बताऊंगा कि टाइमिंग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं किस टाइम पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपसे यही कहूँगा कि मैं रात को 2:54 पर, यानी रात के 3 बजने वाले हैं और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए आप सबसे यही मेरी रहेगी गुजारिश कि आप वीडियो को पूरा देखना और एग्जाम अच्छे से देना, किसी प्रकार की टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा के प्रकार और भाषा के भेद बताइए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 12.2 में देखेंगे भाषा के प्रकार और भाषा के भेदों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, सामाजिक संप्रेषण में प्रभावी माध्यम के रूप में भाषा के अनेक प्रकार पूरे करने पड़ते हैं, यानी सामाजिक संप्रेषण करने के लिए हमें भाषा का जो माध्यम होता है उसमें भाषा के अनेक जो प्रकार होते हैं उनको पूरा करना पड़ता है। इन प्रकारों को बदलने से भाषा का स्वरूप बदल जाए, यानी जैसे प्रकार बदलेगा उसी भाषा का स्वरूप बदल जाता है। भाषा का एक प्रकार सामान्य होता है, अर्थात वह दैनिक जीवन में जैसे हम बातचीत करते हैं वो पूरा करते हैं, जैसे हाल चाल पूछना, मौसम हो गया, फिल्म हो गया, अन्य सामान्य विषयों पर बातचीत करना, स्वागत करना, विदाई करना, सहमति करना, इस हमारा क्या होता है, सामान्य भाषा होती है या सामान्य चीज़ें होती है। भाषा के इस सामान्य प्रकार को हम सब बंधे हुए हैं, पर हम जिस भाषा समाज में रहते हैं उसमें अनुरूप ही हमें भाषा के साधारण प्रकार से भी साधना करना पड़ता है। वास्तव में जिस भाषा में हम रहते हैं वह एक संस्था है, क्योंकि इसमें हम रह करके अनेक संस्थागत भूमिका निभाते हैं, हमें इन भूमिका के अनुरूप ही क्या करना पड़ता है, भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए, वरना हमें उपयुक्त भाषा का संप्रेषण, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की भाषा कैसी है उसके अनुसार ही हमें भाषा बोलनी चाहिए और उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, उस भाषा का संप्रेषण करना चाहिए। उसमें जिस प्रकार की भाषा का यूज किया जाता है, जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, हमें उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हमें उसी प्रकार की भाषा के अनुरूप ही, अगर नहीं तो हम समाज में संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। भाषा का दूसरा प्रकार विशिष्ट होता है, दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाली भाषाओं के अलावा, जैसे हम कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कहीं काम करते हैं, किसी क्षेत्र में विशेष रुचि है तो उसके अकॉर्डिंग भाषा बोलनी पड़े। मान लो अगर आप किसी मंत्रालय में हैं तो वहाँ पर अलग प्रकार की भाषा होगी, स्कूल कॉलेज की भाषा अलग होती है, कार्यालय की भाषा अलग होती है, किसी संस्था में जाओगे अलग भाषा होगी। यानी क्या होती है कि अगर हम कहीं पर, जैसे हम घर पर बात करते हैं तो हमारी नॉर्मल भाषा रहती है, लेकिन हम कहीं पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो भाषा रहती है, जो उसका प्रकार रहेगा वो पूरी तरीके से क्या रहता है, बदल जाता है। यानी भाषा का जो प्रकार रहेगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है, जो कहते हैं, और जो हमारी भाषा रहेगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि भाषा हमारे व्यापक सामाजिक दायित्व के लिए एक प्रकार पूरा करती है, यानी भाषा जो होती है हमारे सामाजिक दायित्व को पूरा करने में क्या करती है, हमारे मदद करती है, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार वालों से, परिवेश वालों से, जीवन के सामान्य प्रयोजनों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर हमारे जीवन के विशिष्ट जो प्रयोजन है पूरा करने के लिए भाषा बनती है, जिसके माध्यम से हम अपने कार्य क्षेत्र में, आप कहीं नौकरी करते हैं, मान लीजिए पहली भाषा क्या करती है, आपके आपके परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, नातों से, फैमिली मेंबर से बातचीत करने भाषा काम करती है। दूसरा, जहां पर आप काम करेंगे, जहां पर नौकरी करेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में आप लगे हैं, वहाँ पर भी भाषा आपको विशेष प्रकार की भाषा के द्वारा आपका जो समाज रहेगा वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, वहाँ पर हमें विशिष्ट प्रकार की या विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वो हमारा
इस हमारे भीतर व्यापक सीमित और असीमित व्यापक कोड को ले जाने के प्रक्रिया, यानी भाषा जो होती है, भाषा के प्रकार का मतलब होता है भाषा के दो प्रकार। एक तो नॉर्मल भाषा है जो हम अपने घर परिवार में बोलते हैं, अपने मम्मी से, पापा से, दीदी से, भाई से, इनसे बोलते रहे। दूसरा जैसे हम कहीं पर नौकरी करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, आने जाने में, या अपरिचित व्यक्ति है जैसे आप कोई लेटर लिखोगे, तो वो अलग प्रकार की भाषा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट भाषा बोलते हैं। भाषा के विशिष्ट और सामान्य भाषा के भेदों में क्या वैरायटी आती है, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हेलेडे ने भाषा भेद पर निर्धारण में प्रकार बताएं। पहला जो वर्ग क्या बताया है, वार्ता का क्षेत्र, यानी जो हम वार्ता के क्षेत्र की जो भाषा होगी अलग प्रकार की होती है, फील्ड के अनुसार भाषा रहती है। दूसरा वार्ता के प्रकार क्या, मोड ऑफ हो सकती है। दूसरा वार्ता की शैली क्या है, और वार्तावार वार्ता के घटक, यानी जो हमारी वार्ता यानी जो बातचीत होती है, जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वह हम अलग अलग सेक्टरों में या अलग अलग प्रकार से हम भाषा के क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार के हम क्या करते हैं, भाषा में संवाद करते हैं। जैसे रोहन मोहन का भाई है, रोहन मोहन सोहन मसाले का व्यापार करते हैं, रोहन विदेश जाता है, मोहन भारत में व्यापार मसाला संभालता है, यानी इस प्रकार से हम क्या करेंगे भाषा, जैसे हम घर पर बातचीत करेंगे, हेलो कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार के, यानी क्या होते हैं भाषा का जो प्रकार होता है, अलग भाषा का जो प्रकार है दो प्रकार का, एक हम जो अपने घर के आसपास जो हम बातचीत करते हैं, दूसरा हम जहाँ पर काम करते हैं, हम कहीं पर किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी दफ्तर में काम करते हैं, किसी मंत्रालय में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी कॉलेज में, वहाँ की जो भाषा रहेगी वह विशिष्ट प्रकार की भाषा का क्या करते हैं, हम वहाँ पर यूज करते हैं। अगला जो हमारा रहेगा आपके लिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा आ जाइए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, भाषण की भाषा और उसका लेखन कैसे किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12.14 में देखिए, 12.4 में देखिए, भाषण की भाषा और उसका लेखन कैसे किया। देखो भाषा पर संप्रेषण की दृष्टि से किए जा रहे चिंतन में वाक्य के स्थान पर प्रयुक्ति का महत्व, यानी वाक्यों के स्थान पर क्या है प्रयुक्ति, यानी किस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका महत्व मिल चुका है। संप्रेषण प्रक्रिया में वाक्य को अंतिम महत्व के रूप में यह है, अब इसलिए स्वीकार नहीं किया जाए क्योंकि मानव का भाषा व्यवहार मात्र स्वतंत्र वाक्यों की सहायता के सिद्ध हो पाते हैं। मानव के भावों को या विचारों को अभिव्यक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यूनिट में हम संबोधित कर सकते हैं। वाक्यों को जोड़ने और नियमों को सबसे पहले विचार नहीं किया गया था। प्रयुक्ति के रूप में किसी स्थान पर कई प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। हम केवल व्याकरण सम्मत वाक्य निर्माण दक्षता हासिल करके हम भावों को विचारों को उचित क्या कर सकते हैं कि करें कि जब हमारे भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं, सिर्फ ऐसे जरूरी नहीं कि हम भाषा को सीख करके बोलना सीख जाए, बल्कि हमें भाषा के साथ साथ उसके शिष्टाचार को भी, उसकी अन्य जो बातें होती हैं उसको भी सीखना पड़ेगा। ये नहीं जरूरी है कि आपको भाषा बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है तो आप कुछ भी बोलते रहें, बल्कि आपको भाषा की दक्षता आपकी होनी बाजा बहुत जरूरी। जब तक आप भाषिक दक्ष नहीं रहेंगे, लैंग्वेज आपको नहीं आएगी या भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, तब तक आप भाषा में, आपको भाषा बोलने की जो निपुणता होती है, आप में भाषा की निपुणता जो होगी वह नहीं आएगी। भाषण, अब यहाँ पर हम भाषण की बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, भाषण अब विचार संप्रेषण का सशक्त माध्यम बन चुका है। यानी जो भाषण है, जो नेता भाषण देते हैं, वह भाषण जो होता है वह विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए लोग छोटे छोटे बड़े बड़े समूहों को संबोधित करने के लिए भाषण देते हैं, जैसे टीचर देते हैं, नेता देते हैं, अभिनेता देते हैं, भाषण देते रहते हैं। आधुनिक विश्व में भाषण के विषय में बहुत व्यापकता है। पहले उपदेशक, प्रवचन, व्याख्यान आदि को भाषण के प्रमुख क्षेत्र थे। आज भाषण का विस्तार सूचनात्मक, ज्ञानात्मक और विवरणात्मक हो गया है। इसके साथ कमेंट्री है, जैसे उद्घोषण है, समापन है, अध्यक्षीय भाषण, यानी आज देखोगे अगर कोई मीटिंग स्टार्ट होगी तब भाषण होगा, समाप्त होगी तब भाषण होगा, कोई शादी समारोह होगा वहाँ पर भी भाषण दिया जाता है। यानी हर जगह पर अगर हम देखेंगे तो भाषण का एक प्रयुक्ति के आधार पर, यानी भाषण के कितने प्रकार हैं। पहला भाषण का जो प्रकार है यहाँ पर देखोगे, किसी लोकप्रिय नेता का भाषण, यानी नेताओं के भाषण। दूसरा उपदेशक के भाषण, अगर कोई उपदेश दे रहा, कोई धर्मगुरु है वो दे रहा, कोई उपदेशक है। दूसरा कक्षा में जो व्याख्यान दिए जाते हैं, कक्षा में जो टीचर भाषण देता है। राजनीतिक भाषण, जो तमाम नेता लोग देते रहते हैं। साहित्यिक भाषण, जो कह सकते हैं कवि, गीतकार जो होते हैं ये लोग भाषण देते हैं। सांस्कृतिक विषयों पर, जैसे कोई संगीत पर, कला पर, नाटक पर भाषण देता है। धार्मिक भाषण, कोई धर्मगुरु जो भाषण देता है उसे धार्मिक भाषण हम कह सकते हैं। सामाजिक समस्या पर, जैसे कोई स्त्री शिक्षा पर, बाल विवाह पर, महिलाओं के एजुकेशन पर या परिवार नियोजन पर, इस पर जो भाषण देता है, सामाजिक समस्याओं पर भी भाषण होते हैं।
विधानसभा लोकसभा में भाषण दिया आपने, देखा जो हमारे सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो भी विधानसभा लोकसभा में भाषण देते रहते हैं। इन पर राष्ट्रीय पर्वों पर भी आपने भाषण सुना होगा कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को, राष्ट्रपति जी 26 जनवरी को भाषण देते हैं। आपने राष्ट्रीय पर्वों पर भी आपने भाषण, नहीं भाषण के 10 प्रकार हैं। इस 10 प्रकारों में क्या होता है, भाषण का क्या होता है, इस 10 प्रकार में अब जो भाषण लिखा जाता है, भाषण का जो लेखन किया जाता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी भाषण का लेखन किया जाए तो इन पॉइंटों का होना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, व्याकरणिकता। भाषण को लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि व्याकरण की दृष्टि से भाषण शुद्ध होना चाहिए और प्रभावशाली, यानी भाषण को लिखते समय हमें व्याकरण का ध्यान देना चाहिए और हमें सही व्याकरण लिखने चाहिए। लिखित भाषण में वर्तनी की कोई, यानी उसमें वर्तनी कोई मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए भाषण को लिखते समय हमें विराम चिन्ह, अल्प विराम को भी सावधानीपूर्वक लिखना चाहिए कि पढ़ते समय जो वक्ता है उसको पता चल जाए कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बल देना है, या किन बातों को ज़्यादा तेज बोलना है, किन बातों को कम बोलना, यानी भाषण को लिखते समय हमें भाषण की जो व्याकरण है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगला दूसरा हुई अस्पष्टता। भाषण में अस्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। भाषण लिखते समय विचारों को, भाव को अस्पष्ट रूप से होना चाहिए ताकि भाषण को सुनने वाले लोग उसकी बातों को समझ सके, या हमारे अगर भाषण में ऐसी चीज़ों को लिख दिया लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या गलत भ्रांति फैल जाए, या गलत सूचना में, यानी भाषण जो लिखा जाए उसमें अस्पष्ट चीज़ों को लिखना चाहिए, कि ऐसा भी लिखना चाहिए कि जो वक्ता हमारा भाषण दे रहा उसको शब्द भी अच्छी तरीके से दिखने चाहिए, मान लीजिए उसको शब्द ही मिल रहे हैं तो अटक जाएगा या रुक जाएगा, यानी भाषण अस्पष्ट। दूसरा औचित्य होना चाहिए। तीसरा करेगा औचित्य, देखो भाषण का शब्द चयन जो होना चाहिए औचित्य करें, यानी शब्द क्रम ऐसा करना चाहिए भाषण पूरी तरह श्रोता को प्रेषित हो, यानी श्रोता को ही टारगेट करके बोलना चाहिए। संदेश को विषय अनुकूल बनाए रखने की जरूरी है, जिसमें आंकड़े देना चाहिए, यानी भाषण में हमें आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए, दृष्टांत बतानी चाहिए, नई नई जानकारियां देनी, ताकि लोगों का भाषण के प्रति जो आकर्षण है वह बना रहे। दूसरा प्रभावशीलता, भाषण में हमें प्रभावशीलता का भी गुण होना चाहिए, भाषण प्रभावी होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब उसमें भाषा का प्रवाह और ताजी होगी। छोटे छोटे वाक्यों, विचारों को बांध करके हमें लिखना चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका होता, आसान और आम जनता इसको समझ लेगी, और शब्दों में हमें भाषण लिखते समय मुहावरों का, गीतों का, या कहावतों का, या लोकोक्तियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करके अपने भाषण को प्रभावशाली बना सकते हैं। भाषण लेखन से पहले किन किन बातों पर विचार करना, यानी भाषण लिखते से पहले हमें इन बातों पर क्या करना चाहिए, विचार कर लें। भाषण जब हम लिखें तो इन बातों पर हमें क्या करना चाहिए, विचार करें। देखो श्रोता वक्ता कौन है ये आप पता होने, यानी जिसके लिए आप भाषण लिख रहे हैं वह कौन है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको भाषण लिखना चाहिए। विषय और उसकी सीमा, यानी जब आप भाषण लिख रहे हैं वह भाषण कितनी देर तक दिया जाएगा, कब दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाषण की शैली क्या होगी ये भी आपको पता होनी चाहिए, प्रखर शैली होगी या क्रोध शैली होगी, यानी किसे बोला जाएगा उसकी शैली। भाषण के रूपरेखा या क्रम कैसे होगा वो भी आपको पता, विषय के समर्थन, यानी आप भाषण लिखते समय आपको विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। भाषण लिखते समय उसमें किस प्रकार की भाषा होगी, किस प्रकार की शैली होगी, उसे कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी हमें भाषण लिखने से पहले जान लेना चाहिए, तभी हम एक अच्छा और अच्छा भाषण वहां पर लिख पाएंगे। अगला जो हमारा रहेगा समाचार की भाषा और उसमें लेखन किया, यानी जब समाचार लिखा जाता है तो उसकी भाषा कैसे रहती है, 12.5 में देखिए, समाचार आधुनिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी जो समाचार होते हैं वो आधुनिक संप्रेषण में क्या रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार जनसंचार के माध्यम से अनिवार्य, यानी जो समाचार है जनसंचार का एक अनिवार्य माध्यम या अनिवार्य चीज बन चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, टेलीविजन में हम समाचार पत्रों का प्रकाशन होते देखते हैं। तीनों ही माध्यमों में समाचार लिखे जाते हैं, यानी रेडियो पर भी समाचार आते हैं, टेलीविजन पर भी आते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी समाचार आते हैं। अखबारों में इसका लिखित रूप हमें छपा होता है, जबकि रेडियो और टेलीविजन में इसको हम मौखिक रूप से या लिखित रूप में या आम आंगिक रूप से भी समाचार पत्रों को देखते हैं। सूचनाओं का संप्रेषण करना समाचार का काम, यानी सूचनाओं को पहुंचाना या लोगों तक सूचनाएं देना समाचार का काम होता है। यह संप्रेषण विचारों के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा और भावनाओं के द्वारा दिया जाता है, यानी जो समाचार होता है विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में सूचना या संदेश के कई माध्यम होते हैं, यानी जब हम भाषण देते हैं या कह सकते हैं जो हम समाचार होते हैं, जो हम समाचार को संप्रेषित करते हैं, उसमें कई प्रकार के माध्यम, जैसे भाषा होती है,
जैसे कोई समाचार छपेगा तो उसमें भाषाओं की भाई क्यों कोई भाषा में रहेगा, फिर उसमें चित्र रहता है, संकेत रहता है, हम ध्वनियों का भी भाषण में प्रयोग करते हैं। समाचार में विविधता बहुत ज़्यादा होती है, इसमें लेखक जो होता है वह किसी न किसी विषय का स्पेशलिस्ट होता है, और जो समाचार होते हैं वह कई प्रकार, जैसे राष्ट्रीय समाचार, क्षेत्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, यह लेखन की पद्धति थी। इसी प्रकार जैसे हमारे जो समाचार होते हैं उसमें खेल की खबरें, बाजार की खबरें, फिल्मों की खबरें, इस प्रकार की खबरों को भी क्या किया जाता है, उसमें संकलित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में समाचार लेखन के लिए जरूरी है कि प्रेषक यानी जो लिखने वाला है वो पर्याप्त सूचना प्राप्त कर ले, तब वह समाचार को उसमें लिखना चाहिए। समाचार को लिखते समय कई सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और समाचार लिखते समय अपनी बुद्धि का, अपने कौशल का भी हमें लिखना। समाचार जो होते हैं वह कई प्रकार की भाषाओं में प्रकाशित किए, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, कई प्रकार की लोकप्रिय भाषा में समाचार की जो भाषा होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, तथा आम लोगों की समझ में आने वाली चाहिए। समाचार में सबसे मुख्य क्या होता है, जैसे समाचार का एक मैसेज होता है, जो समाचार लिखे जाते हैं उसका कोई ना कोई संदेश रहेगा, नहीं समाज को बताना है। दूसरा, उसका कोई ना कोई प्रेषक होगा जो समाचार को भेजेगा, उसमें संपादक होता है, जो एडिटर हम जिसे बोलते हैं, कोई ना कोई मीडियम होगा, मीडियम जैसे हमारा अखबार है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, रेडियो है। फिर होगा संदेश को, हमारे जो समाचार होगा हमारे समाचारों को क्या कोई ना कोई प्राप्त करेगा ना, हमारा भैया जो हम समाचार लिख रहे हैं हमारे समाचारों को कोई ना कोई व्यक्ति तो प्राप्त ही करेगा, तभी तो हमारा जो समाचार होगा वह पूरा माना जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर देखो समाचार लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, समाचार लिखते समय हमें किन किन बातों, इन आठ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखो, ऐसा समाचार लिखे जिसका संदेश में समाचार हमें संक्षिप्त में लिखने चाहिए, हमें समाचार जो लिखते हैं उन्हें शॉर्ट में लिखना चाहिए, जिनके संदेश में नहीं, यानी समाचार हमें नए नए समाचार लिखने चाहिए जिनमें नवीनता का भी क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। समाचार को लिखते समय संदेश का विषय यानी जो हमारा जो समाचार का जो संदेश है उसका जो विषय है असाधारण होना चाहिए। ऐसा संदेश लिखें जिसमें आश्चर्य रहे या लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बने। ऐसा समाचार हमें लिखना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करे या प्रेरित करे या किसी न किसी प्रकार की उनको प्रेरणा दे। ऐसा समाचार हमें लिखना चाहिए जो समाचार सामाजिक दृष्टि से प्रतिबिंधित सिद्ध हो। ऐसा समाचार हमें लिखना चाहिए जो तथ्यपरक हो, जिसमें तथ्य हो, एग्जाम्पल हो या आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। समाचार हमें ऐसे समाचारों को लिखना चाहिए जिसमें बहुसंख्यक समाज उस समाचार में क्या लेता है रुचि। इन सभी बातों को हमें समाचार लिखते समय इन बातों को हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, जब हम समाचार लिखते हैं तो समाचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जब हम कोई भी समाचार लिखें तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहले क्या है, अध्ययनता होनी चाहिए, इससे समाचार का मूल्य और महत्व बढ़ता है, यानी समाचार में अध्ययनता होना बहुत जरूरी है। जिस घटना या विषय की जानकारी हम समाचार के रूप में देते हैं वह तुरंत दंतक, यानी हमें समाचार को तुरंत के तुरंत पहुँचाना चाहिए। समाचार पत्रों में हमें अध्ययनता, तभी वह हमारी जनता को आकर्षित करेगा। हमारे आसपास ऐसे घटनाएं घटती रहती हैं जो गतिशील होती हैं, जैसे तूफान, सूखे की घटनाएं, ऐसे समाचार हमें तुरंत की तुरंत भोजनी चाहिए जिसमें पाठक की दिलचस्पी हो। ये समाचार पत्र विलंब से दिए जाए तो, यानी समाचार पत्र ऐसे समाचार ऐसे होते हैं जो हमें जनता को तुरंत के तुरंत पहुँचाना चाहिए। कई ऐसे समाचार होते हैं अगर हम टाइम से नहीं देंगे तो वह समाचार महत्वहीन माने। दूसरा, समाचार पत्र जो होते हैं उनमें नवीनता होती है, ठीक है, नवीनता समाचार का प्रमाण है। जो समाचार घटना या विषय की सामान्य जानकारी प्रकृति से हट करके उसमें नवीनता होती है, ऐसे समाचार जनता को ज़्यादा आकर्षित करते हैं जो नए होते, जिनमें रोचक घटनाएं होती, रोचक जानकारी होती या मज़ेदार बातों से उनको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, निकटता होना बहुत जरूरी है, जो हमारे समाचार होते हैं उनमें निकटता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। निकटता का मतलब होता है कि जो समाचार लिखा जाए, जो क्षेत्र में वो समाचार जा रहा उनके आसपास की घटना होनी चाहिए। जब हम आसपास की घटनाओं को समाचार पत्र में लिखेंगे तो जो हमारा पाठक है उन समाचार पत्रों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के पढ़ेगा, क्योंकि वो घटनाएँ उसके आसपास की रहेंगी, वह उसमें ज़्यादा रुचि लेगा और हमारे समाचार पत्र को ही पढ़ेगा और उसको ज़्यादा आनंद आएगा। दूसरा, जब हम समाचार लिखें तो हमें निष्पक्ष होकर के, यानी कुछ समाचार पत्र को लिखते समय हमें निष्पक्ष और तटस्थ होकर के लिखना चाहिए। ऐसे समाचार पत्र को लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी वर्ग, समूह,
किसी व्यक्ति किसी राष्ट्र को ठेस ना पहुंचे या समाचार पत्र को पढ़ करके कोई किसी व्यक्ति के मन में घृणा या रोष ना आए, यानी इसी प्रकार के कोई दंगे फसाद जातीय संघर्ष ना आए, ऐसे हमें समाचार पत्रों का निष्पक्षता के साथ हमें लिखना चाहिए। यानी समाचार पत्रों के समय हमें क्या करना चाहिए, निष्पक्षता का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, यथार्थता। समाचार इसका मतलब होता है कि समाचार पत्र लिखते समय हमें सही तथ्यों का वर्णन चाहिए, गलत बातों को नहीं बताना चाहिए। यानी समाचार लिखते समय में सच्चाई के साथ लिखना चाहिए, उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्यों को ही वही लिखना चाहिए, तथ्यों के साथ हमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें होती समाचार पत्र लिखते समय, उसमें अद्यतनता यानी नए नए समाचार होने चाहिए और समाचारों को हमें जनता के पास तुरंत पहुंचाएं। दूसरा, समाचारों में नवीनता होनी चाहिए, नई नई बातें नए नए प्रसंगों को ऐड करें, निकटता होनी चाहिए, यानी जो समाचार पत्र हों जहां समाचार जा रहा उनके आसपास की घटनाओं को ही होनी चाहिए। दूसरा, समाचार को पत्र को लिखते समय हमें निष्पक्ष होकर के लिखना चाहिए। दूसरा, समाचार पत्र जो होते हैं उसमें यथार्थता यानी उसमें रियलिटी होना ज्यादा बहुत जरूरी। इन समाचार पत्र को लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम समाचार पत्र लिखते हैं तो हमें इन इन बातों का पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो हम अपने समाचार पत्र को बहुत ही ज्यादा क्या बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आकर्षक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाया जा सकता है। अब यहां पर हम देखेंगे जो आपका रहेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा कैसी होती है। देखो, भाषण में वक्ता मुखर और श्रोता स्थिर होते हैं, यानी जो भाषण होता है उसमें जो वक्ता रहता है वह मुखर होकर के खड़ा होकर के बोलता रहेगा, जो श्रोता रहेगा बैठा बेचारा सुनते रहते हैं। अतः इसमें एक दिशात्मक संप्रेषण प्रक्रिया, यानी जो भाषण होता है उसमें एक दिशा से बोला जाता है, दूसरी दिशा के लोग शांत रहते हैं। जैसे आप देखा होगा मोदी जी भाषण देते हैं, मोदी जी बोलते रहते हैं, जनता मोदी मोदी करती रहती, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन जो वाद विवाद होता है उसमें दोनों तरफ से प्रतिक्रिया चलती रहती है, अपने श्रोता स्थिर नहीं रहते, यानी उसमें श्रोता और वक्ता दोनों बोलते रहते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं अपना विरोध दर्ज कराते हैं। अर्थात वाद विवाद किसी विषय पर दो पक्षों द्वारा की गई जो दलीलें प्रस्तुत की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाद विवाद बोला जाता है। यानी वाद विवाद का मतलब इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं, इसमें दोनों पक्ष बोलते हैं, रैली की तरह नहीं, नेता भाषण की तरह नहीं कि एक ही तरफ के लोग बोले जा रहे हैं दूसरी तरफ वाले शांत हैं। वाद विवाद क्या है, एक तरफ का लोग बोलेगा तो दूसरे तरफ का फिर बोलेगा, इधर का बोलेगा तो फिर उधर का बोलेगा। यानी वाद विवाद जो होता है इसमें दो पक्ष लगातार बोलते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाद विवाद। भाषा की दक्षता होनी चाहिए, यानी जब वाद विवाद किया जाए भैया भाषा की हमें दक्षता रखनी चाहिए, यानी हमें प्रभावशाली भाषा और तार्किक भाषा, बेतरतीब भाषा ना बोलो, और संप्रेषण हमें सार्थक होने चाहिए। यानी जब हम वाद विवाद करें तो उसमें जो हम आंकड़े दिए, जो कथन दिए, जो तथ्य दें वो सही होने चाहिए, उपयोगी नहीं, भाषण जो हमें सार्थक होने, भाषण को हम, यानी जब हम वाद विवाद करें तो उनमें प्रस्तुतिकरण व प्रारंभ जो होना चाहिए हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। दूसरा, विषय के विषय पक्ष का चयन करना वाद विवाद के लिए, यानी जो कौन सा विषय रहे वाद विवाद के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक ही विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, यानी किसी भी विषय को अगर आप चुने हर विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, इसलिए जब आप वाद विवाद को चुने तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चीज करके देख के चलना चाहिए। विचारों के संप्रेषण में वाद विवाद दो भाषाई, मौखिक और लिखित, यानी वाद विवाद जो होता है वह लिखित वाद विवाद भी हो सकता है और मौखिक वाद विवाद भी होना चाहिए, ये माध्यम की दक्षता पर निर्भर होता है। रेडियो के लिए वार्तालाप जो इंटरव्यू होता है वह सामान्य वार्तालाप की तुलना में विशिष्ट होती है, लेकिन यह लिखित भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कहा जाता है कि अगर हमें प्रश्न बनाने आते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा विषय संबंधी अध्ययन पर्याप्त है, यानी प्रश्नों की प्रकृति उत्तर आदि को हमें जान, यानी जब हम वाद विवाद करें या वार्तालाप करें तो उसमें हमें इस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए कि हमें प्रभावशाली भाषा बोलें, तार्किक भाषा का हमें यूज करना चाहिए। अगर हम वाद विवाद या वार्तालाप करते हैं तो हमें उसमें उदाहरण देने चाहिए, हमें उसमें तथ्य देने चाहिए, हमें उसमें आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। हमें जब वार्तालाप या वाद विवाद करें तो उसको प्रभावशाली ढंग से हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसका प्रभावशाली ढंग से प्रारंभ करें या प्रभावशाली ढंग से उसमें हमें उसका समापन, यानी वाद विवाद वार्तालाप करते समय हमें इन सभी प्रकार की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ऐसे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।